चलिए आज बनाते हैं पनीर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इसके लिए हमको चाहिए होगा पनीर, उसको हम लोग कद्दूकस कर लेंगे। फिर हम लोग लेंगे बॉयल्ड आलू, इसको आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर मैश करके। मैंने दोनों ही करके डाला है क्योंकि आलू बहुत गर्म थे ना, इसलिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक चम्मच सॉल्ट, फिर डालेंगे ग्रीन चिलीज़, फिर डालेंगे मसाला, फिर डालेंगे हम इसमें मैदा पाउडर, मैदा फिर दो चम्मच मैदा डालना ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए पूरी, जो हमने आलू और पनीर का बैटर लिया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, फैले नहीं। इसके लिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे मैदा। उसके बाद इसको अच्छे से हम लोग आपस में मिक्स कर लेंगे। फिर हम लोग इसकी बॉल्स बनाएंगे। मैंने थोड़ा सा अलग शेप दिया है, बॉल नहीं है, थोड़ा सा राउंड से रसगुल्ले नहीं होते हैं, थोड़ा वैसा शेप दिया है, तो आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 5 बना लिए हैं। उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें, एक पैन में ऑयल लेंगे, इसको गर्म करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। ऐसे शैलो फ्राई कर लेना है, शैलो नहीं मतलब काफ़ी अच्छा खासा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम लोग एक अलग पैन में लेंगे प्याज, उसको हम लोग बस थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर डालेंगे टमाटर, टमाटर से पहले मैंने क्या कहते हैं लहसुन और डाल दी थी पर वीडियो बनाना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं आप डाल दीजिएगा। फिर डालेंगे पानी, उसके बाद हम लोग इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ही मिक्सी में डालेंगे, अदरवाइज आपकी मिक्सी ख़राब हो सकती है। तो अब मेरा ठंडा हो गया है ये बैटर, उसके बाद हम लोग डाल देंगे इसको मिक्सी में, इसको पीस लेंगे अच्छे से। देखिए काफ़ी स्मूथ बैटर बन गया है। फिर हम लोग उसी पैन में लेंगे ऑयल, जो हम लोगों ने बनाया था पेस्ट टमाटर और प्याज का, उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे, पूरा भूनना है इसको ठीक तरीके, जितना अच्छे से भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। फिर हम लोगों ने काजू लिए थे पहले, इसको 15-20 मिनट हम भिगो दिया था पानी में, गर्म पानी में, इसको हम लोग पीस लेंगे। अब मैंने पीस लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो गई है पर कोई बात नहीं चलेगा। फिर हम लोग डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे इसमें सॉल्ट, फिर डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि पहले हम लोग ग्रीन चिली डाल चुके हैं। फिर डालेंगे हम लोग इसमें मसाला, फिर जो काजू का पेस्ट बनाया था काजू का पेस्ट डालेंगे, इसको कुक करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से, ताकि सारे के सारे फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाएं, अब्सॉर्ब हो जाएं। आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं। फिर डालेंगे जो हम लोगों ने अपने कोफ्ते बनाए थे पनीर के, वो उसमें डाल देंगे। और फिर डालेंगे मलाई ऊपर से, आप चाहे तो घर वाली यूज़ कर सकते हैं।